ऐसे आगे हाँ तेरी बहन की बारात जा रही है। Hello and welcome to Oppo Camera Phone presents Comedy Nights Bachao Taaza. शो चल रहा है, ये चाय चाय क्या बेच रहे हो इधर? चाय नहीं बेच रहा, अपने चाचा को ढूंढो। चाचा 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 किधर है? चाचा मेरे चाचा जी किधर खो गए भैया? चाचा चाचा मेरे चाचा को देखा? दादा दादा देखो बकवास मत करो, जाओ यहाँ से, बहुत बड़े बड़े स्टार आने वाले यहाँ पे। हट रहे, झूठ बोलती है। अरे बड़े बड़े, मैंने पीछे देखा मुदस्सर खड़ा हुआ है, बड़े स्टार। ऐसा नहीं बोलने का, बहुत बड़ा स्टार है वो, समझे? सलमान उनके इशारों में नाचता है, और उनके साथ जो खड़ी थी ना वो तो सुपर स्टार है भैया। तो मतलब उनको देखकर तो मेरी चाय खुद उबलने लगी थी। और तुम्हें पता तीसरे हमारे गेस्ट कौन है? हाँ मैं जानता हूँ। अरे वो कच्चे खाने के सामने इतना बोलते है कि खाना पक जाता है। तो चलिए उन सबको बुलाते हैं, प्लीज वेलकम सुरवीन चावला, मुदस्सर खान और संजीव कपूर। सबसे पहले चाय तो बनती है सर। थैंक यू सर, थैंक। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सर। अरे ये क्या कर रहे हो, उनको भी दे दो। अरे नहीं, अगर उनको चाय का टेस्ट नहीं अच्छा लगा ना तो मेरे को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ये आदत है, शो पे एलिमिनेट कर दे। चाय बनाना, चाय पिलाना बड़ा पुण्य का काम है, और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। वो तो है सर, लेकिन एक मिनट कृष्णा, इनसे गिलास ले लेते, ऐसे लगता है कि पास वाले सेट में शूटिंग चल रही थी, दूध मांगने आए। मुदस्सर हम आपको देखते हैं, वो कौन सा शो करते हैं आप? वो लिटिल चैंप्स, वो जज करते हैं ना आप? आपको शर्म नहीं आती? नहीं शर्म नहीं आती आपको अपने से बड़े बच्चों को जज करते हुए? नहीं होता होगा। खैर सुरवीन आप दूसरी बार आ रही है, संजीव सर आप भी दूसरी बार आ रहे हैं, मुदस्सर जी आप पहली बार आ रहे हैं, जो दो 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 बार आए हैं उनको कैसा फील हो रहा है? हाँ, कैसा फील हो रहा है? दूसरी बार इसीलिए आई हूँ क्योंकि इज्जत नहीं उतरने वाली है। हमने झूठ बोला था। यस, आप हमने बंद कर दिया है। जोरदार, हम लोग सुधर गए, हमारे लिए जोरदार तालियां हो जाए। संजीव सर कैसा लग रहा है दूसरी बार आकर? देखिए दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, चौथी बार कुछ नहीं होता, हमारा तो रोज का काम होता है ना, ऐसी जो चीजें होती है, खाना रोज बनाना पड़ता है, रोज दाल बनानी पड़ती है, क्योंकि मेन्यू के अंदर जितनी डिशेज होती है वो मिलनी चाहिए। अब ये मेन्यू में बताया, मैंने कहा था इनसे मत पूछो बड़ा लंबा बोलेंगे। चलिए तैयार है आप सब? यस। एक काम करते हैं, मुदस्सर पहली बार आए हैं तो इन्हीं को बिठाया जाए सबसे पहले। दीदी और छोटी भैया आइए, सुरवीन आप भी। जी भारती जी, I'm sorry, मुझे बीच में से जाना पड़ेगा क्योंकि संजीव जी मेरे लिए एक एक क्या डिश लेकर आए। संजीव जी क्या डिश लाए तेरे लिए? खाना थोड़ी डिश, प्लेट लेकर आए, वो चबाने जा रही हूँ, खाती हूँ मैं। सर वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे पेशे होते हैं मुदस्सर, लेकिन एक पेशा जो है जो हमारे शोज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारी ऑडियंस। ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां, हम खड़े होकर बजाएंगे हमारी ऑडियंस के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑडियंस है तो एक्टर्स हैं, ऑडियंस है तो शोज हैं, और ऑडियंस है तो हम हैं। अब बहुत हो गया, बैठ चले। तो ये जो ऑडियंस शो पे आके बैठती है ना, इनकी भी बहुत सारी बातें होती रहती है आपस में, और देखते हैं ऑडियंस आपस में क्या बात करती है। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। क्या देख रहे मेरे को ऐसे? मैं भी ऑडियंस, जब मैं क्या करूं, मैं सुंदर हूं तो। ए छत्तर मुर्गी अंडी, किसका एक्ट होने वाला है? ऐसे क्या देख रही, चोच मरेगी क्या? एक बात बोल, तूने वैक्सिंग क्यों कराई, इतना ही दिखता है हमारा। कल को से कपड़े भी मत पहनना, इतना ही दिखता है। एक मेरे को ना बहुत कंटाल आता है इधर बैठ के,
इधर मेरे को 100 रुपया ज्यादा मिलता है इसीलिए मैं आ जाती ताली बजा के, नहीं तो नल्ले लोग को देख के इतना घंटा लाता है मेरे को। ए बलराज ऐसे क्या, मैंने देखा तो उंगली ऐसे कर लिया वरना ऐसे था। ए साले तुम लोग 11 हो, हम 300 है, घेर के मारेंगे तुमको बाहर। आए बड़े इतना मारेंगे ना कि पूरा स्टेडियम सूजा देंगे। ये सुदेश बुड्ढा ना इसमें तो मैं थूक के भागेगी। ऐसा मेरे को बोलता मैं क्या सर फोटो फोटो गुड़िया गुड़िया कर कर इधर तक पहुंच गया। ऐसी जगह थूकेगी ना कान पे के साफ भी नहीं होएगा। इतना भी कोई पंच नहीं था हंसी वाला जो ताली बजाई। 12-12 घंटे तक इधर बिठाते रहते हैं, पानी भी नहीं देते ना बिस्कुट देते हैं। बिस्कुट ये निया 20 बार बिस्किट मांगती है, दादा बिस्किट दादा बिस्किट। और दादा भी कितना कमीना इधर से बिस्किट लेके जाता है हमारे। पिछले शूट में तो 3 बार बिस्किट बिस्किट करती रही, मैं भी चौथे वाली बिस्किट पे थूकी। और इतनी तेज है, गीला बिस्किट खा के कहती चलता है पानी गिरा होगा। और ये कृष्णा एक नंबर का नला, ये फोटो भी नहीं खिंचाता। मैंने कहा सर सर ऑडियंस में मैं ताली बजाई थी आपके एक्ट पे, फोटो फोटो। कहते नहीं नहीं फोटो। मैं कहा सर खिंचा लो ना, क्यों फोटो नहीं। कहते एक बार ऑडियंस में लड़की बैठी थी उसके साथ फोटो खिंचाई, फिर उसी के साथ शादी करनी पड़ी कश्मीरा के साथ। वैसे एक मिनट भाई लोग, कश्मीरा अपनी साथी थी पता ना, इधर बैठती थी ऐसा। देखा था ना इधर ऐसा छोटा कपड़ा बाके फोड़े वाला टांग के ना, वो अपनी कश्मीरा कितना आगे निकल गई। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, मेरा मन नहीं लगता अभी अकेले ताली बजाती हूँ ना, हम दोनों ना 50-50 करते थे। जैसे मैं चिप्स खाती थी वो रैपर चबाती थी। मैं पानी में पीती थी बोतल वो चबाती थी, हल्की मैं होके आती थी पानी वो गिराती थी। मुदस्सर सर, हेलो मुदस्सर सर। सर मैं उधर बिग बॉस में भी बैठी थी। हाँ उधर आप बार बार ऐसे कर रहे थे, उसी दिन मैं ही मूली पराठा खा के आई थी। सर आपने मेरे को पहचाना उधर लोनावला में भी। देखा मैंने कहा था लड़कियां देखता है ऑडियंस में। स्टार बन गया तो ताली नहीं बजाते हो, ऑडियंस बन गया तो ताली बजा रहे हो। एक मिनट आज तू औकात पे आया है, तू ऑडियंस ही था, स्टार कभी नहीं था। इधर आ। एक मिनट मेरा सीट रखना, मैं मारेगी। बैठ। बलराज आया ना, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तू इन सबका फैन है? सबका फैन है। अरे टीवी पे देखो तो फैन ही बन जाते हैं। आज इनको रियल कॉमेडी करते देखना, देखना थूकेगा मुंह पे। लेकिन एक बात है, हाँ। भारती के साथ जो किरण आती है ना वो बहुत अच्छा करती है। भारती के साथ किरण नहीं करण आता है। नहीं नहीं करण तो अब है ना, मैं ऑपरेशन के पहले वाला बोल रही हूँ। अरे ओ करण की छोड़, वो संजीव कपूर है ना? अरे हाँ हाँ, इन्हें कौन जानता है? इन्हें कौन जानता है? तू कुछ भी बोल रही है ना, तू मेरे को एक बात बता। एक मिनट, जरा बाल गया निकालेगा। बाल? अच्छा कौन सी आँख में? आँख में नहीं नाक में। यार मेरे को निकला। मेरे को एक बात बता, तेरे को ऐसा ऑडियंस में बैठ के मजा आता है क्या? मेरे को बहुत मजा आता है, मेरे को ऑडियंस में बैठ के मेरे को बहुत मजा आता है। जब कृष्णा सर ऐसा उठा के पप्पी पप्पी कर देते हैं ना तो मेरे को बहुत मजा आता है। मैं फेसबुक पे डाल देती कि मैं आने वाली कृष्णा के साथ। कृष्णा के साथ? अच्छा एक बात बता, तुझे निया पसंद है? कौन निया? अच्छा वो वाली जो आधा टांग दिखाती रहती है। ना मैं पहले इसको देखती थी ना निया को, दूसरे शो में आती तू तो टांग पे बहुत फोड़े होते थे, पता नहीं कहाँ से ठीक करवा के आई है। अभी तो ऐसा दिखाती है, देखो हंसती, देखो कहती, ऐसा लगता ना वो जो फोन में स्माइली नहीं होता, हाँ। वैसी शक्ल है ना। इतनी प्यारी लगती है तुझे? नहीं इतनी प्यारी नहीं, वही स्माइली को गोबर में बना दो ना तो वैसी। यार तू एक
तो हर चीज में तू गोबर क्यों ले आती है? एक बार ऐसा मत बोल, तू बैठना दिनेश इधर, गोबर गोबर भाग। अच्छा बलराज को गुस्सा आएगा, हमारे लिए गोबर है लेकिन बलराज का तो खाना है ना। इतना सुदेश का एक्ट सुनो ना, ये एक्ट शुरू होने वाला है। क्या हुआ? क्या? अरे इनका एक्ट वैसे बहुत लंबा होता है ना, बहुत ज्यादा लंबा। वो बेचारे बुड्ढे हैं ना सुदेश जी, उनको सुनाई भी नहीं देता, तो उधर से डायरेक्टर बोलता है कट कट, तो करता ही जाता है। लेकिन एक बात बोलूं, एक कृष्णा सुदेश का जब भी एक्ट देखती ना मेरे को बहुत मजा आता है। मतलब हर उम्र वाला बंदा इनके एक्ट में है। अदिति जैसे 18 से 20, कृष्णा 40 से 50, सुदेश जी 10 साल के। सुदेश जी इतने छोटे हैं? नहीं छोटे नहीं, जितना उम्र बची वो बोल रही हूँ। मैंने सुना है कृष्णा भाई बहुत ठरकी हैं। बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत गुस्सा आता है पता। जब हम लोग का पैकअप होता है, हम लोग उधर अंधेरे में खड़ी होती है ना, वीरू से पैसे ले रही होती है, तो ऐसा मेरे पेट पे हाथ घस के गया। मेरे को इतना गुस्सा आया ना सर, मेरा दिल ऐसा हुआ ना कि साले दूसरी तरफ कौन घसेगा। अबे एक्ट शुरू होने वाला है, ताली बजा ताली। इधर आ, क्या कही जा रहा है? वैसे सबका एक्ट बोला हमने, भारतीकरण का एक्ट नहीं बोला ना, क्योंकि वो तो अच्छा जा ही रहा है, वो परफॉर्म कर रहे हैं ना। ए हमारे लिए ताली बजाओ। भारती और करण के लिए जोरदार तालियां। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। मतलब ऐसी ऑडियंस बाकी कुकिंग शोज में भी आनी चाहिए। फिर ये भी बोलेंगी तो मम्मी इतनी जल्दी पकाती थी, कितना बोलता है ये, ये डालो वो डालो, कर नहीं बोलेगा तो हम डालेंगे नहीं, क्या कच्चा बैंगन खा जाएंगे। सुरवीन भारती यू आर आउटस्टैंडिंग यार। जा बाहर खड़ी हो बोल रही है आउटस्टैंडिंग, जा। भाई लोग ये मेरे को कैसे बोलता है, आज पैकअप के बाद सब लोग पत्थर से इसकी गाड़ी पे अपना नाम लिखेंगे। भारती और करण के एक्ट के लिए जो कि ऑडियंस के लिए इन्होंने किया, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये होता है प्राइम टाइम मुदस्सर, ये बंदे ने अपनी असली जगह नहीं भूली, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। भारती करण के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू करण। मुदस्सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके, मतलब सब लोग कहते रहते हैं बहुत छोटे हो बच्चे हो, मतलब आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? पहला सॉन्ग करने से पहले सलमान सर एक मॉल में आए थे। अच्छा। तो वहाँ पे एक मुंबई का सबसे बड़ा डांस कॉम्पिटिशन था, तो वो कॉम्पिटिशन जो जीतेगा उसको सलमान खान के सामने परफॉर्म करने मिलेगा, तो ये थी शर्त। तो हमारा ग्रुप जीत गया, शार्प शूटर्स जिसका नाम था, और वो परफॉर्मेंस विनिंग टीम को देखा उन्होंने और बोला अरे किसने कोरियोग्राफ किया, बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ। तो सर ने बोला तुमने भी डाया ऐसा ही है, तो उन्होंने हाथ खींचा ऐसे और हक किया और मेरे कान में बोला टच में रहना मेरे, तो टच में रहना, बोला चलो बड़े स्टार हैं टच में रहना बोला, तो थैंक यू सर थैंक यू सर, तो बोल के चला गया। पता नहीं उन्होंने शायद साजिद वाजिद सर से मेरा नंबर निकाला और मुझे दो महीने बाद फोन किया। अच्छा। फिर आज स्टार्ट। पहला गाना कौन सा किया था आपने? मैंने पहला सॉन्ग किया था हमका पीनी है, फ्रॉम दबंग। फ्रॉम दबंग, हमका पीनी है। तो आपका पूरा नाम क्या है, मतलब मुदस्सर? मुदस्सर खान। मुदस्सर खान है आप। मैंने ऐसी चैनल वालों को समझाया था रोस्ट बंद कर दोगे ना शो का ये हाल हो जाएगा। सीरियस बन रहा है। एक बात बोले, आपने जितने भी गाने दिए हिट दिए हैं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ और मैं दिल से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। यार संजीव जी आपने अपने करियर की शुरुआत सर कैसे शुरू हुआ? नहीं नहीं, ये इतना लंबा बोलेंगे कि उससे पहले नोट चेंज हो जाएंगे। ऑडियंस आप लोगों को बता दूं कि मुबीन ने एक बहुत बढ़िया पार्लर खोला हुआ है, बहुत अजीब सा पार्लर है, और उसमें उनकी गेस्ट बन के आ रही हैं अनीता। मुदस्सर सर आपका साथ देने आ रहे हैं, संजीव सर, सुरवीन आप इधर आ जाइए। आइए सुरवीन। संजीव सर इस कुर्सी में बैठ के कैसा लग रहा है, बाद में बताना, पहले मुबीन और अनीता आ रहे हैं। आज ना मैंने ब्यूटी पार्लर खोला है, मालूम है काय को? काय को? क्योंकि कुछ शक्लें ऐसी हैं जिन्हें वाकई पार्लर की जरूरत है।
अब जिसको अपने ऊपर लगाना है लगा ले। वैसे संजीव जी भी आए हैं, मालूम है दुनिया के नंबर वन शेफ हैं, और मेरा पति भी शेफ है, अब्दुल शेफ कुरैसी। मालूम है, नहीं खाना वाना बनाना नहीं आता है उसको, वो गटर के ढक्कन चोरी करता है। और लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया, इसलिए तो सेफ है। सेफ है। वैसे संजीव जी को खाना किसने सिखाया मालूम है? इलारुन ने। ये उनके पास गए, उनको बोला चोली के पीछे क्या है, चुंडी के नीचे क्या है, वो बोली कुक 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 कुक। वैसे मेरे पाले में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। नाना पाटेकर जी भी एक बार आए थे, बहुत अच्छे आदमी है, मेरे को बोलते हैं हेड मसाज करने का, और खुद ही करने लगे। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मजनू कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। वैसे जो निया है ना, निया भी आती थी हमारे पार्लर में, इसको देख के लगता है मेकओवर के लिए आएगी। अरे बाबा झाड़ू पोछे के लिए आती थी। फिर झाड़ू पोछे से याद आया मेरी पार्टनर की दर अभी तक नहीं आई। नहीं चलेगा पार्लर यही है? जी हाँ, नहीं चलेगा पार्लर यही है। कितना अजीब नाम है, नहीं चलेगा। अच्छा हमने पार्लर का नाम रख लिया नहीं चलेगा, तो अजीब हो गया। आप इतने सालों से नहीं चल रही, उसका क्या? कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है? आप कस्टमर हैं, सॉरी सॉरी, मैंने आपकी शक्ल देख ली ना, मेरे को लगा काम मांगने को आई है। एनीवेज क्या लेंगे, आदमी या खिलौना? What? अरे आपको तो कुंवारा बाप चलेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं सॉरी मैडम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मेरा ना फिल्म की डीवीडी बेचने का काम है, तो ये धंधा वो धंधा दोनों मिक्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम होता है। ओके तो ये सब छोड़ो, मुझे ना मेरा मेकओवर करना है, आज मेरी शादी है। फिर तो जान निकल जाएगी। क्या? अरे मतलब अभी आपका मेकओवर करूंगी ना, जान पिक्चर आने वाली टीवी पे, फिर वो निकल जाएगी, वो देख नहीं पाऊंगी ना मैं। कितनी बकवास फिल्में देखते हो? ए मैडम मेरी फिल्मों को बकवास नहीं बोलना, मालूम है मैं भोजपुरी की सुपरस्टार नहीं रह चुकी हूँ, कमाल कमाल की फिल्में की है मैंने। मालूम है संजीव जी एक फिल्म का नाम था साय साय मेरा तन करता है खट्टा खाने को मन करता है। ये क्या बकवास है, चलो मुझे रेडी करो मेरा मेकओवर। ओके मेकओवर ठीक है। ये क्या है? इसे नहीं होता है? नहीं ओ सॉरी मैडम, एक्चुअली नवी नवी आई है ना इस लाइन में, करके मेरे को मालूम नहीं है। एक बार ना भारती मैडम आई थी, बहुत भड़क गए वो मेरे ऊपर। क्यों? गलती से मैंने उनका पूंछ काट दिया था। अभी देखा आपने, बिना पूंछ के कितनी अजीब लगती है ना। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप ऐसे स्ट्रगलर्स को अपने पार्लर में आने क्यों देते हो? स्ट्रगलर्स बोलते हैं इन लोग को आप? स्ट्रगलर नहीं बोलना इन लोग को, उससे भी नीचे के हैं ये लोग। बेचारों के पास मालूम है कोई काम नहीं है, वो तो भला हो ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन हाउस का, जो जिनकी वजह से चल जाता है। हाँ लेकिन आपको क्या टेंशन है, आपका तो मैडम बहुत काम चल रहा है, मैंने आपकी उस पर एक शेर भी बनाया है। हाँ, बोलो बोलो। टीवी पे आपको कोई नहीं देखता, टीवी पे आपको कोई नहीं देखता, अगर काम ना देती मालकिन देखता। मैंने भी एक शेर लिखा है। अच्छा, लोग तुम्हें जाते थे भूल अगर काम ना देता डायरेक्टर निकुल। क्या बात है, काफिया नहीं मिला लेकिन गुस्सा भर भर के भरा था शेर में। बकवास बंद करो, मेरी शादी है, मेरा फेशियल कर दो। फेशियल? ओके फेशियल हो जाएगा। बैठिए। अरे नहीं नहीं ऐसा, मेरे को ना गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप टेंशन मत लो, ऐसा भी नहीं करती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ओके आप मेरी वैक्सिंग वैक्सिंग एक्सचेंज करने का है। ओके वैक्सिंग। छी, इसके ऑलरेडी बाल है। ओह माय गॉड। हाँ तो क्या हुआ, वो एक्चुअली क्या 10 साल पहले संजीव जी आए थे, मुझे वैक्सीन करवाया इन्होंने। तो कुछ तो करते होगे? कुछ हाँ, आईब्रो बनाऊं? हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, आग बंद कीजिए। आईब्रो बना रही हूँ बाबा, थोड़ा टाइम। हाँ आंखें खोल लो। बन गए? हाँ बन गए, कैसी लगी? क्या बकवास हो रही है यहाँ पर, मैं थक गई हूँ, I'm tired, कुछ तो करो। ओके ओके बैठो आप बैठो। आज मेरी शादी है। आप टायर्ड है ना? हाँ। इसमें पैर डालिए। क्या है? अरे आपने कहा I'm tired, तो टायर तो पंचर भी होगा ना, चेक करना है। मुझे ना यहाँ पर आपसे कुछ कराना ही नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं है। अरे मैडम अच्छा फिश थेरेपी देती हूँ मैं आपको, ठीक है? इसमें पाउंड डालिए। अरे पर इसमें फिश कहाँ है? अरे बाबा आज मंगलवार है, नॉन वेज नॉट अलाउड।
कैसा पार्लर है, मुझे कुछ नहीं कराना, मेरी शादी। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा टेंशन मत लो, मैं आपको लिपस्टिक देती हूँ। ओके ये लीजिए। मालूम है लिपस्टिक लगाने से क्या होता है? क्या होता है? लिपस्टिक खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा, कुछ दूसरा देती हूँ मैं आपको, ये वाली लिपस्टिक, मालूम है इससे क्या होता है? खत्म हो जाती है। नहीं, इसको जो लगाते हैं ना वो खत्म हो जाता है। चेहर वाली है। अच्छा मैडम, मैं आपको डराऊं डराऊं आपको डराऊं 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 अरे चली गई। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इधर झाड़ू पोछे के लिए आती है, मेरा मालकिन के साथ लफड़ा चल रहा है, उसके कस्टमर लोग को भगाते रहती है मैं, ठीक है? कोई नहीं आएगा इधर, कोई नहीं आएगा, सब जाएंगे। उधर सर, कैसा लगा आपको इनका पार्लर? आप कभी जाना चाहेंगे अपना मेकओवर करने? मेकओवर, आईब्रो बनाने, फिश पेडिक्योर करने, मैं जो चीज नहीं की वो सब इधर करने जाना चाहता हूँ। बट स्टार्ट जो आपने किया उसके बाद, जब अनीता जी ने ज्वाइन किया उसके बाद, तो मेरे गाल दुख रहे हंसते हंसते। इट वॉज रियली हिलेरियस। सुरवीन, फैंटास्टिक, बहुत बहुत बहुत, यू गाइस वर रियली रियली फनी। आई थिंक मुदस्सर ने ठीक कहा, जहां से अनीता ने ज्वाइन किया वहां से तो मतलब द ग्राफ वेंट समवेयर एल्स ओनली। फैबुलस, थैंक यू। संजीव सर, तुहानू रब दा वास्ता थोड़ा बोलना। ऐसा लगा इनका, क्या बात है सर, आप तो म्यूट में भी इतना बोल लेते। थैंक यू सर, ये आपने कमेंट किया, आपके लिए गिफ्ट, आप दूसरी बार हमारे शो पर आए हैं। ये मैं इसलिए लाया क्योंकि आप लाइट फूड खाते हैं। आइए मुबीन और अनीता के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। संजीव सर, सब लोग जानते हैं कि आप कमाल का खाना बनाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने के लिए और आपने कुछ गलतियां निकाली होंगी? कैसा खाना बनाया, इसमें कुछ ऐसा जायका होना चाहिए था या काली मिर्ची ज्यादा होनी चाहिए थी, और उन्होंने लास्ट में कह दिया कि भाई मत दे बिल, तू सही जा। ऐसा हुआ कभी? ऐसा कभी सर हुआ है? नहीं हुआ, तो आज यहाँ करना पड़ेगा। सोचिए, आप है एक पति और मैं हूँ आपकी पत्नी, कह रही है, और हम किसी रेस्टोरेंट में डेट के लिए गए हैं, और वहाँ मुंह के हिसाब से हमने वेटर बनाया है कृष्णा को ही। तो कृष्णा वहाँ के वेटर है, तो देखिए क्या होता है संजीव कपूर की डेट मीटिंग पे। आइए सर। क्या बात है। रेस्टोरेंट कौन कौन खोल लेते हैं? बस संजीव कपूर जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि चाय अच्छी बना ली तो रेस्टोरेंट खोल ले। मैं तो ना शेफ से शादी करके मेरे बुरे हाल हो गए हैं, कभी रोमांटिक नहीं होते। आज से कभी आपने बताया कि मैं कैसी दिखती हूँ? अरे ये तुम्हारे गाल जो है, गुलाब जामुन जैसे गाल, थैंक यू, नारियल जैसी नाक, नारियल जैसी नाक, काली मिर्ची भी दिखाऊं? काली मिर्ची। यार, डेट पे आया, फूल वूल कुछ लेकर आया कि नहीं? हाय, मतलब इतना मुझे कम समझते हो? ओह माय गॉड, एक मिनट। ओह माय गॉड, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ओह माय गॉड, कौन है ये? एक मिनट, कौन है ये? कौन है ये? पहले इश्क का इजहार फूल से। ये कैसा फूल लेके आए हो आप? इतना बड़ा फूल, ये छोटे फूल से क्या होता है? इतना बड़ा फूल, फूल का फूल, सब्जी की सब्जी। हेलो सर। हेलो जी, இப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பாடு கொடுங்க, இதே கிட்ட முன்னாடி சொல்லல, உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏமாத்தி இருக்கீங்க. நல்லா இருக்கீங்களா சார்? சும்மா நல்லா இருக்கீங்க, என்ன பண்றாங்க பணியா? என்ன பண்றாங்க சும்மா நிலைக்கிற வச்சு பணியா? என்ன பாரு, சும்மா நல்லா இருக்கிறேன். யார், ஏ ஆத்மி தோ மதரசி மே பி நீ சோட்டா யார், உஸ்மே பி போல் லேதே. खैर सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? हेलो मैम, हाउ आर यू? यस सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? क्या खाना? मुझे वो चिकन बिरयानी। हाँ, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो एक काम करना, एक चिकन लेना, ब्रॉयलर चिकन लेकर उसको अच्छे से मैरिनेट करके, थोड़ा दही का मसाला लगा के, गरम मसाला डाल के, और उसमें बिरयानी राइस को भिगो के, करीब आधे घंटे तक भिगो के उसे भाई।
एक काम करिए, आप आगे से लेफ्ट जाइए. क्यों? उधर ही किचन है, खुद ही बना लो ना यार. क्या यार करते हैं. अरे वाकई बहुत परेशान होगी. पता जब हमारी स्वागरा थी ना, मैं से हल्दी वाला दूध लेकर आई, इन्होंने पिया करते थोड़ा सा अगर इसमें मीठा कम होता और गुलाब जल मिला लेती आप तो बहुत अच्छा होता. आपने ये बकवास बनाया है, आप एलिमिनेट होती है. मुझे मेरी स्वागरा से बाहर निकाल दिया. अब मैं क्या करूं? एक मिनट, आप इतने बैक टू बैक शोज क्यों करते हैं? अब भाई मैं क्या करूं, मुझे इतने शो मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते, मैं क्या कर सकता हूं. सर हम पे मत चढ़िए, क्या खाना है वो बताइए. हमने रोस्ट बंद किया हुआ. हाँ बताइए क्या खाएंगे. मेरे लिए आप एक काम करो, एक वेजिटेबल सूप दे दो मुझे. अच्छा, और आप आइसक्रीम? आइसक्रीम. हाँ लगता है आइसक्रीम ज्यादा खाती. हाँ चलना जल्दी ला. अच्छा इसमें क्या खराबी है? यस सर. इसमें क्या खराबी है मैडम? आइसक्रीम फॉर यू. ये आपके लिए. ये क्या है? ये क्या है? ये अपना लो, खुद ही सूप बनाओ अपना. सिस्टम एक मिनट मैं बताता हूँ. अपना खुद बनाइए, हम लोग को कोई लेना देना नहीं. एक काम करो, एक टमाटर लेना, इसको काटना, प्याज लेना, थोड़ा सा अदरक. अच्छा गोभी भी ले जाओ, कोई बात नहीं, ये तो काम नहीं आई. तो इसको जो सूप है ले, बनाते हैं. चलिए अगले एक्ट की तरफ, जोरदार तालियां संजीव कपूर के लिए. आगे बताइए सर. हाँ तो ये चाकू जो है इसको इस पे इस्तेमाल करना. और इस पे नहीं, और बोलने से पहले अपने ऊपर. ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो मर गए. नहीं नहीं मतलब ये सोचो, इसकी जगह बकरा आता तो कितनी बढ़िया बिरयानी बनती. सॉरी सर, आपको बकरा चाहिए था, इधर गधा मर गया. संजीव जी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. तो चलिए बाप बेटे को दोनों को उठाते हैं, दीदी को इधर बुलाते हैं. नहीं नहीं डैडी को वहीं रहने देते हैं. क्यों? अरे साथ में दीदी बैठेंगी ना. हमारी जो निया है उनका कुत्ता जो है वो बीमार पड़ गया, तो उन्होंने कुत्तों का डॉक्टर बुलाया, बलराज. कुत्तों का डॉक्टर आ रहा है? उबीन भाई डरना नहीं, एक्ट में डॉक्टर है, असल में थोड़ी. दो चार तालियां हो जाए बलराज और निया के लिए. एक बार जोरदार तालियां संजीव जी के लिए. संजीव सर इतना अच्छा खाना बनाते हैं मुदस्सिर भाई. सर मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फैन है. उसने आपको देख देख के इतना अच्छा खाना बनाना सीख लिया है कि घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं. खैर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, क्योंकि 24 घंटे हम कुत्ते बिल्लियों में रहते हैं यहाँ पे. हम आ गए डॉक्टर के पास. बेबी रिलैक्स बेबी, और सोनो बेबी. ओल्ली ओल्ली मैडम, बेबी आपका ये? यस. कैसा कुत्ते जैसा बच्चा पैदा किया आपने. कुत्ते, ये कुत्ता ही है. मैं प्यार से इसे बेबी बुलाती हूँ. अच्छा अच्छा बेबी, अब रिलैक्स, हम डॉक्टर के पास आ गए. सर इसको बोलते टैलेंट का मिसयूज. जितनी पप्पियां तूने कुत्ते को दी है ना, डायरेक्टर को दी होती तेरे को कृष्णा की पार्टनर बनाता हूँ. वैसे मैडम कुत्ते को तो आपने बहुत सारी पप्पियां दे दी, एक आधा सैंपल इधर भी चेक करा दो. तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी स्मेल आ रही है. तो जिसको आधे घंटे चूम रही है वो दिन में 4 बार ब्रश करता है. एक सेकंड, आप डॉक्टर हैं? जी मैडम मैं डॉक्टर हूँ जी. स्टेथोस्कोप कहाँ है आपका? क्या कहाँ है? स्टेथोस्कोप. क्या स्पेलिंग बता दे, दो लेके आऊंगा. एस एस. चलो छोड़ो मैडम, वैसे होता क्या स्कोप? अरे वही जिससे दिल की आवाजें सुनते हैं. तो तेरे दिल में लता जी गा रही, हमने क्या करना है सुन के? अपने दिल की गालियां सुनानी है, इलाज करोगे? मैंने बड़े बड़े कुत्तों का इलाज किया मैडम. आपकी शक्ल देख के लग नहीं रहा आपने किसी का इलाज किया है. सुरवीन जी आई थी मेरे पास एक बार अपना कुत्ता लेके, ऐसे गोद में उठाया मेरे को, बोलती डॉक्टर साहब ये देखो मेरे कुत्ते का बदन आग की तरह तप रहा है. मैंने कहा थल्ले उतारो ठंडा हो जाएगा. कपूर साहब भी आए थे मेरे पास अपना कुत्ता लेके, कहते ये देखो कुत्ता कमजोर होता जा रहा है. मैं कहा अपना बनाया खाना क्यों खिलाते इसको. देखो अगर मेरे सोना बेबी को कुछ हो गया ना, मैं एक पल भी घर में नहीं रह पाऊंगी. क्यों, रेंट एग्रीमेंट इसके नाम पे? चलो मैडम कोई बात, आप घर आ मत. ये बताओ कुत्ते को बीमारी क्या है? देखो ना सुबह से एक बार भी भौंका नहीं है. तो ये बीमारी नहीं, ये कॉमन सेंस है. उसको पता है मालकिन भौंकरी, मैं चुप रहूंगा.
ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मुझे लगता है इसका गला बैठ गया है। गला बैठ गया, कुत्ता है गवाही है। चलो मैडम, गला बैठ गया तो बैठे रहने दो, आपने कौन सा दलेर मेहंदी के पीछे कोरस करवाना इसे? अरे ऐसे कैसे रहने दूं? तुम्हें पता है मैं अपने बेबी से कितनी अटैच्ड हूं? ये हंसता है तो मैं हंसती हूं, ये रोता है तो मैं रोती हूं, ये खाता है तो मैं खाती हूं। तो ये सारी मतलब आते यहां तक कि लिमिटेड है कि खंभा भी साथ में शेयर करते हैं आप लोग? मुझे लगता नहीं है तुम कुत्तों के डॉक्टर हो भी। मैडम तुम्हीं से बात करना, आपको पता है मैं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ? ये देखो डिग्री, रिलैक्स, अमेरिका से आया हूँ मैं। ये कौन सी अमेरिका की डिग्री है, कहाँ से अमेरिका की डिग्री रख ली है? नहीं, वहां तो पेट्रोल पंप पे काम करता था। तो तुम डॉक्टर कैसे बन गए? मैडम जब यहाँ के डॉक्टरों को काम नहीं मिलता वहां जाके पंप पे काम करते ना, उधर पंप वाले यहाँ पे आके डॉक्टर बन गए, सीधी बात है। मुझे तुमसे कोई इलाज नहीं कराना शोना बेबी, गलती हो गई, हम यहाँ नहीं रहेंगे, तीन गली छोड़ के ना एक और डॉक्टर है, हम वहाँ जाते। एक मिनट, जैसे आपने कपड़े पहने लोगों ने एक गली नहीं पार करने देनी, इधर आओ, ये इसको रखो यहाँ पे, आप देखो मैडम इस, एक मिनट इसको ध्यान से देखो, ये 2000 का नोट नहीं लग रही आपको? मैडम जितनी बाहर पैसे की दिक्कत चल रही, बाहर मजे लोगों ने आपको खुला करवा लेना। आप यहीं पे रहो, मैं असली डॉक्टर को भेजता हूँ। हैं मैं तो अपना कुत्ता लेके आया था, डॉक्टर आए नहीं, मैं क्या, चलो ढूंढ के लाते। जी सर प्लीज, छोटा सा कहना कैसा लगा? मैंने बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था यहाँ इसके कुत्ते फेल हैं, पर ये जो कुत्ते हैं बिल्कुल पास हैं। सुरवीन बहुत ही कमीना एक्ट था। कमीना। बहुत मजा आया। थैंक यू सर। अदिति और मुदस्सर को ऐसे लग रहा है कि सेकंड क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं एक साथ। कैसा लगा मुदस्सर आपको ये एक्ट? बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं स्टार्ट से जो पंचेस मारते गए, मैं बोला अभी ब्रेक दो, मुझे हंस रहा हूँ, एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा था मुझे। चलिए एक बार बलराज और निया के लिए जोरदार तालियां। मुदस्सर आप कितना अच्छा डांस करते हैं ना, संजीव सर आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं, सुरवीन आप कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, ये सब तो आप आराम से कर लेते हैं ना, आपके बाएं हाथ बाएं पैर का खेल है।
दूसरा खाने पीने की कोई डिश नहीं है, बंदा पहचान पाया बिकनी चैंड ये सब पहचान पाए। गुड वन। चलिए रिजल्ट अनाउंस करने की बारी। जो हार चुके हैं, जिनको अभी फ्रेश पनिशमेंट मिलेगी, वो है मुदस्सर संजीव कपूर जी। आप नहीं आइए सर, आ गए जी। संजीव सर इतने भी आज आप लकीरी हो कि सारा आप सुरवीन के साथ ही बैठे रहो। चलिए उठिए इधर आ जाइए। हाय ऐसा मुंह बनाया जैसे सब्जी जल गई। देखो लग रही है अकेली बैठी एकदम जोधपुर की महारानी। अब कैसा फील हो रहा है संजीव सर चले गए तो? आई एम मिसिंग हिम। अभी मुझे कह रही थी प्लीज उनको हटवा दो वहां से। अभी मुझे कह रही है आई एम मिसिंग यू। अच्छा मेरी सहेली है ना, मैं सच बोल देती हूँ। चलिए आपको पता है सुरवीर, वैसे आप लोगों ने काफी पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन आपको पता है प्रॉपर्टी कितनी महंगी हो गई है? बहुत महंगी, मिलती नहीं बॉम्बे में तो, बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन हमारे पास एक स्टेट एजेंट है जो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी लेने के लिए पता कौन कौन आ रहा है? प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश और छोटी सी बेटी अदिति। बड़ी बैठो 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 बैठो। जिंदगी बर्बाद हो गई संजीव जी मेरी। मैं तो स्ट्रगलर हूँ, बैचलर आदमी हूँ, बंबई में कोई फ्लैट ही नहीं दे रहा यार। हाँ लोग बोलते बैचलर को फ्लैट नहीं देंगे, फैमिली वाले को देंगे। अरे बैचलर को दोगे तब भी तो वो फ्लैट में फैमिली बनाएगा, समझा करो यार। समझता ही नहीं है। अरे इतने छोटे छोटे फ्लैट सर मैं आपको बताऊँ, बंबई में इतने छोटे छोटे फ्लैट, मतलब बाथरूम में बैठ के इधर दाल में तड़का दे सकते हैं। इतने छोटे छोटे, एक वन रूम किचन देखने का, दरवाजा खोला खत्म। मैं बोला इसका कितना, 1.5 करोड़ रुपया भरूं? 1.5 करोड़ रुपया भरूं तेरी माँ का साकीना का। गॉड
सर बांद्रा में फ्लैट देखा मैंने, चर्च गेट में देखा, विरार में देखा, नाला सुपारा में देखा, अब मेरे दोनों गोरे गांव थक चुके हैं सर, और अब तो मेरा दही सर भी फट चुका है सर। इससे पहले कि मेरा भाईंदर बर्बाद हो जाए मेरे को कोई फ्लैट दिला दो यार। यार संजीव जी आपका एक शो आता था खाना खुजाना खजाना। अरे बहुत ही कमाल का शो था, आपको पता है उस शो की वजह से सर हर औरत ने मार खाई अपने घर पे, हर पति मारता था, बोली कोफ्ते ऐसे बनते हैं क्या खिलाती है हमको। लड़की भी एकदम तपी हुई भड़की हुई कहती है अगर तेरे को इसके कोफ्ते पसंद है इसी से बच्चे कर ले जा। आप हर शो करते हैं सर, आप ऐसा क्यों नहीं कुछ करते, कुछ अलग टाइप का? कलर्स भी करी मैं बात करता हूँ, पकौड़े विद संजीव। अच्छा आइडिया। मैं तो बोलता हूँ सर आपके साथ ना डेली सोप बन सकते हैं सर। मतलब संजीव जी हीरो और नीचे टाइटल ये कोफ्ता क्या कहलाता है। पवित्र पैटिस। सबसे बेस्ट यहाँ मैं घर घर खाई। और सबसे अच्छा आपका चलेगा ग्रेवी बचा के रखना। खैर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरे एस्टेट एजेंट आते ही होंगे। हेलो, हाँ बोलो, मेरी बात बंद हो गया? हाँ जी, हेलो। हेलो ताजमहल होटल मालिक से बात कराओ। हाँ जी घाटा साहब कैसे हैं? घाटा साहब जी बढ़िया। अच्छा आपने होटल बेचना है? एक बार बताओ बेचना है कि नहीं? ओके 500 करोड़ तो हाँ ठीक, मैंने इसलिए फोन किया था मेरी औकात नहीं, जिससे बिकता बिकवा लो। आपके पास कोई मलाड में 1 BHK है तो दिखाओ, वो मुदस्सर रोज आता है उसने लेना है। हाँ जी। अरे सर मेरी इतनी औकात होती तो मेरी दुकान पे गधा खड़ा होता, आप सोचो जरा। साले येड़े गधा किसको बोलता है बे? ओ मेरे मुंह से निकला, मैं तो कुत्ता ही बोलने वाला था। आई आई आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि आपके घटिया पंच पे कोई हंस नहीं रहा, कम से कम मैं रोऊं तो सही। क्या चाहिए क्या चाहिए? सर मुझे ना सर जगह चाहिए सर। जगह पीछे खाली चले ये वाली जगह नहीं बे, रहने के लिए मेरे को घर चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, पेमेंट कैसे करोगे? कैश लोगे? हाँ ले लेते हम। पक्का? पक्का। हेलो हाँ कैश, इससे मिलने चले जाओ यार। मैंने तुम्हारे लिए नया दूल्हा ढूंढ लिया, कैश जाओ अपने को घर भी मिल जाएगा, हम लोग अपने घर में रहेंगे, कैश अपने घर में। क्या बकवास कर रहा है, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, भंगार वाला नहीं हूँ मैं, जब वो कैश रखूंगा अपने पास रखूंगा। पागला तू, मेरे वो कैश पैसे पैसे। पैसा? पैसा नहीं सर, मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे पास पैसा नहीं है सर। अरे अरे कोई बात नहीं, अरे अरे मैं बड़ा कोई बात, मैं 3-4 साल के लिए मैं तेरा इंतजाम कर रहा हूँ रहने का और खाने का, चलेगा? वो कैसे कैसे? फ्री फ्री। फ्री कैसे? अनीता है ना एक्टर, हाँ? उसका कत्ल कर दो सीधा जेल में, तेरा भी भला इधर ऑडियंस का भी भला। ओ यड़े 3-4 साल तो जेल में रहूंगा, बाहर आने के बाद क्या खाऊंगा मैं? अरे उसका पति खिलाएगा, ज्यादा भला तो उसका होगा ना। क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे खिलाएगा वो मेरे को पता है, उसको एक्टर बोला, क्या बकवास कर रहे हो आप? या तो एक्टर बोलो या अनीता बोलो, या क्या चाहिए तेरे को बोल। सर मेरे को अपना सी व्यू का कोई अच्छा सा फ्लैट दिखाइए, मेरा बजट है 1500 रुपया महीना। अच्छा 1500? हाँ। और सी व्यू? सी व्यू में आपको मैं ऐसा पर्दा खोलोगे ना ऐसे लाइन लगा के बैठे होंगे, छी व्यू आपको मिलेगा ऐसे ऐसे करो। ओ भाई साहब पर्दा खोलने की जरूरत भी नहीं है, जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना छी व्यू ही है, यहाँ पे पीछे देख लो। बकवास कर रहा है, कैसी बात कर रहे, बदतमीज है तू, दफा हो जा, तेरी औकात नहीं, मैं भी उठ के जा रहा हूँ यहाँ से। अरे मेरी गलती, मैं उठ के जा रहा हूँ, मेरी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जा रहा हूँ उठ के। सर मेरे मुंह से निकल गया सर, ऐसा होता है कभी कभी, मुंह से निकल जाता है सर, मुझे माफ कर दीजिए। देखो मैं तनिष्ठा या अक्षय कुमार नहीं जो तेरे को माफ कर दूंगा, समझे? चल इनको हल्कों की माफिया मांगता, पहले गलतियां करता, भाग यहां से। सारे येड़े बार बार मारे जा रहा, मारे जा रहा, येड़ा कहीं का। अरे ये क्या हो गया? पानी? अरे कोई है यहाँ पे? पानी पानी? अरे आप ठीक तो हो सर? आप ठीक तो हो? आप ठीक तो हो सर? सर सर इन्होंने आपको काटा तो नहीं ना? काटा तो नहीं, क्या मतलब, कौन है ये?
तू पागल है? तू मेरी मैनेजर है? ये आपकी मैनेजर है? नहीं, मेरी इसका नाम है, मैनेजर है। अच्छा, ये पंच था। अरे क्या हो गया? अरे तुम्हारी बातों पे कोई हंस नहीं रहा, कम से कम मैं रहूं तो सही। देखो, ये मेरा 10 साल पुराना दोस्त है, बड़ा प्यार करता है, अभी देखा आपने। इसके लिए इसका हाथ बड़ा भारी, मैं 10 मारूं एक ही मारेगा। इसको कोई अच्छा सा फ्लैट दिखाओ। डायलॉग पूरा करो अपना। एक 50 करोड़ का प्रॉपर्टी है समुंदर में। हाँ। लेकिन हमें 2.5 लाख में मिल रहा है। वो 2 साइड ओपन? नहीं, 6 साइड ओपन। एक मिनट, 6 साइड ओपन का क्या मतलब? हाँ, ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, चारों तरफ से ओपन है, 6 साइड ओपन। अरे क्या हुआ करें? हाँ। ये चेक लीजिए। चेक कहाँ है? हाँ? चेक कहाँ है? हाँ तो तेरा बंगला कहाँ है भाई? सबका लड़की तेरा अब अपने बंगला दिखाती है, बकवास करती है। मैं आपको भाई साहब कह रहा हूँ, इसको आप निकाल दीजिए। कैसे? मैं कहा चैनल वालों को, हम सब कह रहे हैं नहीं निकाल रहे इसको। मैंने उसको बोला है कि अदा को ले आओ, कहती अदा पैसे मांगती, फिर इसको रखा। क्या यार, पैसे भी मिलते हैं? पैसे मिलते हैं? अबे या तो यहाँ टैलेंट हो या पैसा मत मांगो, तो ही टिक सकते हो। देखा अनीता वापस आ गई ना। हेलो, बकवास बंद करो। हाँ, आपको पता नहीं है मुदस्सर सर और मेरा ना गुरु शिष्य का रिश्ता है। हाँ, आप लोगों का गुरु शिष्य का रिश्ता? हाँ हाँ। मुदस्सर आपने बताया नहीं, डांस में आपकी गुरु रह चुकी है। तभी ऐसा डांस करते हैं आप? ये इससे सिखाया आपको? नहीं नहीं, ये मेरी स्टूडेंट थी जब छोटी थी, तो बचपन से। मैंने अभी घर की कहानियां नहीं बतानी। ये बड़ी बदतमीजी है, उसको क्यों ऐसे बोल रहे हो? घर की कहानी है, उसका घर है, बता। भाड़े पे मैं घर दिलाऊंगा, ऐसी बात है। देखो, मेरी शिष्य ऐसी है, मेरी मैनेजर ऐसी है, तो मैं क्या हूँ? संजीव कपूर जी एक बार मेरे पास आए थे। कहते दुबई में जगह का क्या रेट चल रहा है? मैं क्या 20,000 स्क्वायर फुट? कहते 2 स्क्वायर फुट मेरी बुक कर दो। दो स्क्वायर फुट? हाँ, मैंने कहा 2 स्क्वायर का क्या करोगे? कहते मेरा क्या है, तंदूरी लगाना है, यहाँ आके शो ऑफ करूंगा, मेरा वहां पे होटल है। बड़ी अच्छी है यार। ये देखो, ये सुरवीन मेरे पास आई थी। अच्छा। कहती मैंने घर बेचना है। मैं कह 2 साल रुक जाओ। कहती क्या रेट बढ़ने वाले? मैं कह नहीं, हो सकता है तेरे को कोई फिल्म मिल जाए। इतनी जल्दी अपना तो ऐसे ही है, हौसला देते हैं हम लोग। ओ, बकवास नहीं करना और तमीज से बात करना मेरे से। मैं अभी स्ट्रगलर हूँ, लेकिन एक टाइम आगे देखना, बहुत आगे बढ़ूंगा मैं। अच्छा। ध्यान रखना, अभी मुदस्सर देख लो, रहने के लिए जगह नहीं थी, आज बंगले में सोता। बंगले में? अच्छा, कहाँ? कैसे मतलब बंगले में? सलमान भाई शाहरुख भाई रिहर्सल के लिए बुलाते हैं ना, तो रात को उन्हीं के बंगले में सो जाता। करो, ये बताओ मुझे फ्लैट दिखा रहे हो कि नहीं? आओ मेरे साथ, मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। फ्लैट आ जाओ, आ जाओ, लिफ्ट में आ जाओ, लिफ्ट में आ जाओ। लिफ्ट कहाँ है यार? कोई माइम भी होती यहाँ पे, कोई स्टूल लगा, कोई है, कोई बेंच लगा, कोई मेरा घर माइम है। माइम? अच्छा, माइम करो। आइए माइम करते हैं, आइए। आ जाओ आ जाओ। ये चल क्यों नहीं रहा? ओ सच, बटन नहीं दबाया, इधर खराब हो गया यार इसको। चल भाई साहब, भाई साहब, लिफ्ट का दरवाजा तेरा बाप बंद करेगा, माइम कर रहा है ना। अब आई, अब ठीक है, चल गई। अभी क्या हो रहा है? लिफ्ट चल रही है ना। लिफ्ट में कि ट्रेन में बैठा है? ट्रेन में बैठा है, लिफ्ट में बैठा हुआ है, बात करता है। ये मेरी मैनेजर का हाथ क्यों चूमा? अरे तो कैमरे लगे हैं, मुंह पे चूमूंगा तो पकड़ लेंगे। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कौन पकड़ेगा? अरे सिक्योरिटी नहीं, मुंह पे चूम लूंगा तो हम एक दूसरे को पकड़ लेंगे। बात में बात कर रहा है, ये बात है ना। अभी मैं तेरी गर्मी निकालता हूँ, ये देख। अभी क्या हो रहा है? पंखा चला दिया इसकी गर्मी ने। चलो आ गए, आ जाओ बाहर। भाई साहब इधर आएंगे आप? दरवाजा खोलो। लिफ्ट का दरवाजा तेरा बाप खोलेगा। लिफ्ट का दरवाजा तेरा बाप खोलेगा। माइम करता है ना, एक मिनट। हाँ खोल, आ जाओ। एक और मिनट इधर आना। मैंने नीचे 2 दरवाजे बंद किए थे, 3 अरे मैं आपको मजा आ जाएगा ऐसा फ्लैट। एक मिनट खोल लूं जरा। माइम का बहुत शौक है यार, ये स्कूटर का भी है। ये खुलता क्यों नहीं? कुंडी तेरा बाप खोलेगा, कुंडी तेरा बाप खोलेगा।
सॉरी, आ जाओ अंदर। अंदर जाओगे सीलिंग नजर आएगा आपको हॉल में। अच्छा, आइए सीलिंग ये देखिए हॉल है। एक भाई साहब इधर आइए। सीलिंग कहाँ है? तो धारावी की झोपड़ियाँ हैं। ऊपर देखो वो सीलिंग। और मैंने थप्पड़ खींच के मारूं, क्या बकवास है ये? अभी बाकी दिखाता हूँ, अब हम बालकनी में चलते हैं। अरे बालकनी में आइए। भाई साहब इधर आओ। एक खोलना किसे? खोलो उसको पहले। खोलो खोलो। आइए ये देखो नजारे देखो। सर ये मुझे पसंद नहीं आया सर। ओहो यार, तेरे को पसंद नहीं कोई आता? कुछ नहीं आया। अच्छा वो फ्लैट ठीक है, 8 BHK है। 8 BHK? 7 करोड़ का है, 2.5 लाख में मिल जाएगा। 7 करोड़ का 2.5 लाख में? हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है। क्या? वो कहते बेचना ही नहीं। उनकी मर्जी है। येड़े साले, मेरे को ऊपर बुला के मेरा टाइम खोटी किया तूने। मेरा अपना टाइम वेस्ट हो गया, क्या करे? क्या करे क्या? मैं तो बोलता हूँ हमारी तो जोड़ी सलामत है। हाँ। 10 साल हो गए अभी ऊपर आ चुके हैं, इसको फेंक देते। चलो जी, चलो आगे बढ़ो। चल रहे हैं। अदिति के लिए जोरदार ताली हो जाए। संजीव सर कैसा लगा इनका एक्ट? मतलब अभी तक लग रहा है इतना बढ़िया, फैंटास्टिक। क्या बात, थैंक यू। थैंक यू सर। मुदस्सर जी कैसा लगा आपको अपनी क्लासमेट का एक्ट? स्टूडेंट उनकी। आई एम सबसे पहले बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अदिति यहाँ पर है। मतलब बचपन से वो बहुत छोटे छोटे, मेरी लाइफ की पहली सेलिब्रिटी है ये। मेरी क्लास में स्टूडेंट थी, सो पहले छोटे आर्ट फिल्म्स और सब करती थी, सीरियल्स में भी आती थी। तो मम्मी को बोलता था, मम्मी मेरी क्लास में एक टीवी वाली आती है। सो आई थिंक मेरी लाइफ की पहली सेलिब्रिटी है। और तब से मेहनत कर रही है एकदम इतनी से, तो आई एम सो हैप्पी टू सी हर हियर। एंड ही वॉज माई फेवरेट टीचर, खान सर हम सब इनको बुलाते थे, एंड आज तक ये मेरे फेवरेट टीचर हैं। सुरवीन कैसा लगा इनका एक्ट? अरे सुदेश जी और कृष्णा, आप लोग मतलब आइकॉनिक जोड़ी हैं, सीरियसली, मतलब टेलीविजन की आइकॉनिक जोड़ी हैं आप लोग। माई जॉज आर हर्टिंग मैन। फैंटास्टिक। क्या बात। चलिए एक बार जोरदार तालियां कृष्णा सुदेश और अदिति के लिए। खान साहब, आपके डांस क्लासेस की बात हुई और आपका डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं। थैंक यू संजीव सर, आपको पता है जैसे आप खाना बनाते हैं ना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में भी ऐसी बनती हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप 36-24-36 की कढ़ाई लें। नहीं, लेनी बहुत जरूरी है क्योंकि हीरोइन उसमें फिट आनी चाहिए। कढ़ाई को चूल्हे पे रखें, उसमें 1 चम्मच हीरो डालें। ध्यान रहे हीरो जो है वो ब्रांडेड होना चाहिए, कपूर या खान ही होगा, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा। उसके बाद आप साउथ के 4 बड़े-बड़े भुने हुए गुंडे लें। अब आइटम सॉन्ग आने तक एक गर्मा गर्म नेहा दुपिया उसके अंदर डाल। नेहा दुपिया की जगह आप जरीन खान या मलाइका भी ले सकते हैं, और मार्केट में नया मसाला है सुरवीन चावला। सुरवीन को आप छोटा 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 काटे। रोस्ट बंद हो चुका है। और आप सूप के अंदर डाल दें। फिर अगर आप देखें कि नमक ज्यादा हो गया है सुरवीन की वजह से, तो उसको बैलेंस करने के लिए कश्मीरा चाट डाल सकते हैं। कश्मीरा को आप कूट कूट कर डालें, लेकिन उसको उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी बोल सकती है। फिर आप एक बड़े से विलन से आइटम गर्ल को बाहर निकालें, फिर उनको छोटे 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 काटें और धीमी आंच पे भूनने के लिए रख दें। इससे क्या होगा कि टेस्ट बहुत अच्छा होगा, बनाने वाले को भी मजा आएगा और देखने वाले को भी मजा आएगा। क्या बात, थैंक यू मुदस्सर सर।
चलिए कृष्णा जी, भारती जी फटाफट सेल्फी ले लें इनके साथ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.